Amir, Shahrukh also took a dig at your poster at an event. What do you have to say? क्या 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 बोला क्या बोला आपने सुना नहीं? शाहरुख ने कहा था कि किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है. किसी और के सामने. अब क्या है? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा. मैं कुछ नहीं बोलूँगा. नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा. मैं कुछ नहीं बोलूँगा. अपना गुस्सा पी के आमिर की तरफ से आया है शाहरुख खान के मजाक पर ये रिएक्शन. अब क्या है? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मेरे पास दो चार बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. मेरे पास दो चार बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. क्या आमिर को शाहरुख के रिएक्शन ने तैश मिला दिया, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते देते रुक गए आमिर खान. अब क्या है? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मेरे पास दो चार बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. क्या आमिर को लग रहा है कि वो बोलेंगे तो सब बोलेंगे कि बोलता है, इसलिए अपना गुस्सा पी गए आमिर. लेकिन गुस्सा भी शायद नशे की तरह होता है, जो दिलो दिमाग पर चढ़ गया तो तबाही मचा सकता है. कोशिश करने से आमिर ने लगता है अपने दिमाग पर तो काबू कर लिया, जिसमें कुछ मुंह तोड़ जवाब आ रहे थे. मेरे पास दो चार बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. पर दिल के आगे आमिर की हो गई हार, और शाहरुख खान के मजाक पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया. जो आदमी दूसरे के लिए होल डिक करता है उसका क्या होता है, आप खुद मुझे बताइए. करेक्ट बोल रहा हूँ? जो डिक वर्ड यूज किया ना आपने, तो डिक से मैं दूर रहता हूँ. Well, तो चलिए अब आपको SRK का PK के फर्स्ट लुक पर आया वो जवाब भी दिखा दिया जाए, जिसने आमिर को अपने मन की बात कहने से रोक दिया. Well, शाहरुख खान के मजाक पर आमिर की तरफ से हैरान कर देने वाला ये रिएक्शन तब आया जब बॉलीवुड में हार्मनी के गीत गाए जा रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं और एक दूसरे की फिल्मों की तारीफ कर रहे हैं. हमको मालूम है हम कितनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं, कितनी खुशी से बनाते हैं, और जब एक दूसरे का काम आता है, शायद हम हमेशा ट्वीट नहीं करते लेकिन हम उसको सराहते हैं, पसंद करते हैं और कभी कभी उसको एक हेल्दी कंपटीशन की तरह देखते हैं. ऐसे में आमिर शाहरुख का मजाक सुनकर किस सोच में पड़ गए हैं और उन्होंने अपने मन में आए कौन से दो चार कमाल के जवाब सप्रेस कर लिए हैं. मेरे पास दो चार बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. तय बात ये है कि आमिर अगर बोल देते तो बतंगड़ बन सकता था, पर उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर आमिर शाहरुख खान की सेंस ऑफ ह्यूमर में कही हुई ये बात को सेंस ऑफ ह्यूमर के तौर पर ही लेते तो शायद उनका अजब बिहेवियर मीडिया के सामने आता ही नहीं. हालांकि इस मंच पर जब PK के फर्स्ट पोस्टर पर बने जोक्स की बात आई तो आमिर ने उन जोक्स का जिक्र करके खूब मजे लिए. बहुत ही उमदा जोक्स थे और अलग अलग लोगों ने इंटरनेट पे और फेसबुक ट्विटर वगैरह वगैरह पे अपने अपने डिजाइंस बनाए, कुछ लोगों ने खुद अपना पोज बना के डाला है. तो अलग अलग चीजों ने अलग अलग लोगों ने किया और हमें उस सारी चीजें देखकर बड़ा मजा आया. आमिर, कुछ जोक्स भी थे वो शाहरुख के साथ और वो अलग अलग लोगों के साथ, अच्छा लगा मुझे, हम लोगों को बड़ा मजा आया. यानी शाहरुख खान के साथ जोक बनाए जाने पर तो आमिर को मजा आया, पर जब खुद अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करके शाहरुख खान ने आमिर का जोक बनाया तो आमिर को शायद मजा नहीं आया. कोई तो टीज जरूर उनके मन में रह गई है जो शायद अब भी निकालनी बाकी है, क्योंकि उनके मन में आए दो चार कमाल के जवाब तो अब भी आमिर के दिल में दब कर रह गए हैं. आमिर, शाहरुख ऑल्सो टुक अ डिग एट योर पोस्टर एट एन इवेंट. व्हाट डू यू हैव टू से? क्या 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 बोला क्या बोला आपने सुना? शाहरुख ने कहा था कि किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है. किसी और के सामने. अब क्या है? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मेरे पास दो चार बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई.